क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने शाम को अच्छा वाला अपना कंप्यूटर बंद किया और सुबह आकर देखा तो आपका टैली डाटा करप्ट? या कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि रात को आपने काफी देर मेहनत लग के टैली में डाटा एंट्री की और जब सुबह दोबारा से कंपनी खोली तो देखा उसमें कंपनी ही गायब? या आपने जो एंट्रियां की वो एंट्रियां आपको नहीं मिली? आपने अपना आखिरी टैली डाटा बैकअप कब लिया था? हेलो टैली यूजर्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी टैली के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शैलेंद्र, आपका टैली हेल्पर अपनी tally.com से। यदि इनमें से कोई भी एक हादसा आपके साथ हुआ है तो ये वीडियो खास आपके लिए है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम दिन रात मेहनत करके टैली में डाटा एंट्री करते हैं और एक दिन अचानक से जब हमें पता चलता है कि हमारा डाटा करप्ट हो गया और हमने जो लास्ट बैकअप लिया था वो भी काफी दिन पुराना है और वही मेहनत हमें दोबारा से करनी पड़ेगी तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो ऐसी सिचुएशन से कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम इनमें से कोई भी हादसा टाल सकते हैं, तो आइए इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे कि आप टैली के डाटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या कोई ऐसी यूटिलिटी है जो आपको इन सब हादसों से बचा सकती है? तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं टैली प्राइम के डाटा प्रोटेक्शन की। तो डाटा प्रोटेक्शन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह के थ्रेट्स टैली डाटा को होती हैं और उसके लिए किस टाइप की प्रोटेक्शन चाहिए। तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो दो की एरियाज हैं डाटा प्रोटेक्शन के, जिनमें कि हमें टैली डाटा के प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। पहला होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रैश, क्रैश से प्रोटेक्शन चाहिए, जो सॉफ्टवेयर क्रैश और हार्डवेयर क्रैश। तो सॉफ्टवेयर क्रैश यानी कि कभी आपका टैली करप्ट हो जाए, आप काम कर रहे हैं लाइट एकदम से चली जाए तो आपका डाटा करप्ट हो जाएगा, तो उससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। और सेकंड, आपका विंडोज करप्ट हो जाए, अगर वायरस लग जाए तो विंडोज के करप्शन हो जाएगी तो उससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। सेकंड केस हार्डवेयर का अगर माने तो हार्डवेयर में आपके हार्ड डिस्क की बिल्कुल क्रैश हो जाए जो आपको रिकवर ना हो सके, तो ऐसा जो है प्रोटेक्शन हमें चाहिए। देन सेकेंड जो की एरिया है वो है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमन एरर्स, या कोई एंट्री डबल हो जाए, आपके सेल्स बिल डबल डल जाए या आपका सेल्स बिल गलत एंट्री डल जाए, तो ऐसी ह्यूमन एरर्स से हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो इस प्रोटेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले करते हैं कि सबसे हम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्रैश है वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें फ्रीक्वेंट आपको बैकअप लेना चाहिए। फ्रीक्वेंसी किस बात पर डिपेंड करती है, इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितना काम करते हैं। जितना काम ज्यादा होगा उतनी ही आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि अगर आप मंथली बैकअप लेते हैं और काम ज्यादा होता तो आप उसको वीकली कर सकते हैं या डेली बेसिस पे बैकअप ले सकते हैं। सेकेंड इज, आप बैकअप लीजिए डिफरेंट ड्राइव्स में बैकअप लीजिए। अगर आपका कंप्यूटर में ही आपने सी की बजाय डी में बैकअप ले रखा है तो हार्डवेयर क्रैश के पोजिशन में आपका डी भी रिकवर नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हमें डाटा को प्रॉपरली पेन ड्राइव्स या एक्सटर्नल ड्राइव्स के अंदर बैकअप लेना चाहिए। सेकेंड थिंग आ जाती है ह्यूमन एरर्स। तो ह्यूमन एरर्स की तो आपको जो है एक ही प्रिवेंशन है कि आप केयरफुली डाटा एंट्री डालें, आप एंट्री डालते टाइम ध्यान रखें कि आपकी एंट्री प्रॉपर जाए। सेकेंड, आपके पास कोई स्पेशलाइज टूल हो जो स्पेशलाइज टूल आपको ह्यूमन एरर्स कम से कम करने की कोशिश करें। तो ऐसे ही एक जो है वो टूल है वो है आपका डाटा प्रोटेक्ट, टैली डाटा प्रोटेक्ट। ये एक सिंपल सी यूटिलिटी है जो आपकी आपका सॉफ्टवेयर क्रैश से भी डाटा को बचाता है और प्लस में जो ह्यूमन एरर्स आती हैं उसकी वजह से भी अगर आपका डाटा क्रैश होता है तो उससे बचाता है। तो आइए अब हम इस यूटिलिटी को देखते हैं कि क्या है ये टैली डाटा प्रोटेक्ट यूटिलिटी और क्या ये यूटिलिटी हमारे लिए काम की है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे डाटा प्रोटेक्ट यूटिलिटी काम करती है। सबसे पहले मैं एक कंपनी खोलता हूँ, मैंने एक कंपनी पहले से बना रखी है, तो ये स्क्रीन आप देख रहे हैं ये सबसे पहले आपको रीच करती है और आपकी करंट डेट को एक्सेप्ट करवाती है। जैसे आज की डेट 22 जून है तो ये आपसे ये डेट एक्सेप्ट करवाती है। आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एंटर करके या एस्केप करके बाहर निकल सकते हैं। यदि एस्केप करके बाहर निकलेंगे तो जो आपके टैली की लास्ट डेट ऑफ एंट्री है वहाँ पर जाएगा, अदरवाइज ये आज की करंट डेट में आपको टैली के सिस्टम की वर्किंग डेट कर देगा। तो हम फिलहाल इसको एंटर करके आज की डेट को एक्सेप्ट करेंगे।
आज की डेट एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये 22 जून 2021 जो है आज की डेट है वो पहले की करंट डेट बन गई है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये डाटा प्रोटेक्ट यूटिलिटी किस तरह से काम करती है। स्टार्ट करते हैं वोचर से। तो सबसे पहले हम एक परचेज का वोचर डालते हैं। तो आज की डेट देखिए आप जो करंट डेट है उस डेट में परचेज का वोचर डल रहा है। तो सबसे पहले सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, तो हमने माना कि सप्लायर्स इनवॉइस नंबर इज 3467 और आज की डेट का है और ABC कंपनी से कुछ सामान परचेज किया है तो उसकी हम परचेज एंट्री यहाँ कराते हैं। तो हम परचेज अपडेट नहीं करा, हमने कंप्यूटर डेल के जो हैं लिए और से फॉर एग्जाम्पल 5 कंप्यूटर हमने ले लिए और हमने ले लिए राइट। ये हमारी एक परचेज की एंट्री होगी। फिलहाल हम ये बिल डिटेल्स को इग्नोर कर देंगे और ये एक हमने परचेज की एंट्री करेंगे। सबसे पहले जो ये डाटा प्रोटेक्शन यूटिलिटी काम करती है वो यही करती है कि हमें डुप्लीकेट बिल एंटर नहीं करने देती। तो हम यहाँ पे यदि परचेज का वही बिल दोबारा डालने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पर वार्न कर देगा ये बिल ऑलरेडी आप डाल चुके राइट। अब हम एक सेल्स की एंट्री डालते हैं। जैसे हमारा ये सेल्स का वोचर है, देखिए मेरा सेल्स का वोचर जो है वो आ गया और 22 जून की डेट में एक सेल्स की एंट्री कर दी। तो मैं यहाँ कस्टमर देता हूँ डेल कंप्यूटर, एक कंप्यूटर हमने भेज दिया तो यहाँ देख रहे हैं आप कि मैंने एक सेल्स की एंट्री की है और वो की है बिल नंबर है 002। यहाँ की यूटिलिटी कैसे काम करती है, ये यूटिलिटी यहाँ ऐसे काम करती है कि यदि मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल अभी एक पैक डेट में जाके और एक परचेज की एंट्री करी जो डेट थी वो डेट कर दी फॉर एग्जांपल 20/4 राइट। अब मैं यहाँ पर परचेज की एंट्री करता हूँ और कोई परचेज की एंट्री कर लेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा प्रोवाइडेड कि वही दोबारा हमने कोई परचेज का बिल ना डाला हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी कर दिया कि 450 नंबर इन्वॉइस दिया, तो ऐसा इन्वॉइस तो है नहीं पहले ओके, और ये इन्वॉइस एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम इसको फॉर एग्जाम्पल एक्सेल कंप्यूटर खरीद लेते हैं और मशीन खरीदें और 14,000 की खरीद लिए ओके डन, ये हमने कर लिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि हमने डाला था परचेज की एंट्री लेकिन अब हम जाएंगे तो सेल्स की एंट्री डालेंगे। तो अब हम यदि मान लीजिए सेल्स के आते हैं तो आपका सेल्स इनवॉइस आ जाएगी। अभी देखिए इनवॉइस नंबर क्या आ रहा है 8 आ रहा, जबकि हमने अभी पीछे 12 नंबर इनवॉइस डाला था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे राइट, तो हम यहाँ ध्यान में रखेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक बताएगा कि एक 8 नंबर इनवॉइस आपका ऑलरेडी डल चुका है। तो यहाँ पे ये एरर के चांसेस घटा दें। अगेन मैं बताता हूँ आपको, हमने किसी भी वजह से जैसे आज की डेट है 22 जून, लेकिन मैंने एक बैक डेट में कोई वोचर एंट्री करी और वोचर एंट्री करने की वजह से मेरी डेट जो है वो 20 तारीख हो गई। अब मैं वापस आके सेल बिल काटता हूँ, मैं गलती से सेल बिल जो है मैं मान के चल रहा हूँ कि आज की डेट है लेकिन मैं गलती से क्योंकि डेट चेंज कर चुका हूँ तो यहाँ पर आपका इनवॉइस नंबर जो है वो मेरा 008 हो चुका। क्योंकि ये ऑटोमेटिक इन्वॉइस नंबर ही है तो मुझे इसका आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन ये यूटिलिटी हमें जैसे ही डालेंगे तो ये इग्नोर इन्फॉर्म कर देगी कि आपका ये इन्वॉइस डुप्लीकेट है प्लीज चेक कीजिए। तो अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारी डेट ऑफ एंट्री क्या है। तो हम वापस से जाएंगे तुम्हें और आज की 22/6 की एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे 13 नंबर इन्वॉइस मिल गया और ये आगे बढ़ गया। तो इस तरह से ये आपका जो है गलत इन्वॉइस नंबरिंग को भी डिसअलाउ करता है, आप इसमें गलत इन्वॉइस नंबरिंग से पहले आपको अलर्ट मिल जाता है। सेल्स लेजर में जाते हैं और मान लीजिए मैंने गलती से ये एक 20 तारीख में 20 मई में एक इन्वॉइस को मैंने उड़ा दिया ऑल्ट डी कर देता हूँ, मैं जैसे ही इसको डिलीट करूँगा ये इन्वॉइस डिलीट हो गया। तो क्या हुआ कि आपका जो इन्वॉइस नंबरिंग है वो ऑटोमेटिकली 12 से 11 हो गई है। ऐसी एरर जब भी आएगी तो आपको वो तुरंत जो है बता देगा। कैसे बता देगा, हम वोचर एंट्री करते हैं,
आज की डेट में 22 जून में वैसे डल रहा है, 12 नंबर इनवॉइस डल रहा है, लेकिन मैं जैसे यहाँ जाऊंगा तो ये 12 नंबर मुझे एरर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी 12 नंबर इनवॉइस है हमारा, नीचे भी रेफरेंस नंबर 12 है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अगर डुप्लीकेट एरर दे रहा है, डुप्लीकेट एंट्री फॉर्म दे रहा है, इसका मतलब हमारा 12 नंबर वाउचर की एंट्री कहीं ना कहीं हुई है। सो इट्स नाउ टाइम कि हम अगर दोबारा से चेक करें कि आपका डाटा कहाँ गड़बड़ हुआ है। वापस हम डिस्प्ले आपको सेल्स में जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से इनवॉइस नंबर का, जैसे 11 नंबर इनवॉइस है, इस 11 नंबर इनवॉइस को अगर देखेंगे तो रेफरेंस नंबर 12 है, तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा इनवॉइस डेट हुआ होगा। जैसे ये 10 नंबर इनवॉइस है, इसमें 11 नंबर है, इसका मतलब और भी पीछे का इनवॉइस डिलीट हुआ है। अगर हम यहाँ आते हैं और यदि आप यहाँ देखेंगे 9 नंबर, तो 9 नंबर का 9 नंबर इनवॉइस है बिल्कुल सही है, इसका मतलब जो 10 नंबर इनवॉइस था वो बीच में गायब हुआ है। तो हम टाइम रहते विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक भी इनवॉइस काटे यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 नंबर इनवॉइस वास्तव में ये 11 नंबर इनवॉइस था और हमें 10 नंबर इनवॉइस दोबारा से इस डेट में या जो भी डेट है इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम अपना इनवॉइस की कॉपी जो भी हमारे सेल्स रजिस्टर में पड़ी है उसमें से कॉपी लाएंगे, दोबारा से वो इनवॉइस एंटर कर देंगे तो नंबरिंग आपकी दोबारा से बिल्कुल सही हो जाएगी। सो दिस इज हाउ डाटा प्रोटेक्ट यूटिलिटी इज सेविंग अस फ्रॉम रॉन्ग इनवॉइस नंबर्स। आप गलती से भी डबल इनवॉइस नंबरिंग दे के किसी को बिल नहीं भेज सकते, या गलती से भी बैक डेट में इनवॉइस काटके एंट्री नहीं कर सकते, या गलती से भी आपका कोई अगर इनवॉइस डिलीट हो जाए तो आपको ये यूटिलिटी बिल्कुल वार्न कर देती है, इन्फॉर्म कर देती है, राइट। इसके अलावा जो इसकी खास बात है इस यूटिलिटी की, वो ये है कि अब आपने काम कर लिया और आप अपनी कंपनी को बंद कर देते हैं, ओके मैंने आज जो भी एंट्री किया और ये कंपनी बंद हो गई, तो जैसे ये कंपनी बंद होगी तो आपसे बोलेगा बैकअप लेना है, बिल्कुल आप यस करो बैकअप ले, आपका बैकअप आपकी डिफॉल्ट लोकेशन में चला गया। तो हमें बैकअप लेने का झंझट भी नहीं, हम विश्वास हो सकते हैं कि आपका जब भी आप कंपनी बाहर जाएंगे, कंपनी से बाहर निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डाटा बैकअप निकल जाएगा। तो अब ये डाटा बैकअप गया कहाँ, और यदि हमें दोबारा से कंपनी रिस्टोर करनी है तो हम अपना डाटा बैकअप कहाँ से खोजेंगे, तो इसके लिए हम Alt Y में जाते हैं और आप देखोगे यहाँ पे डाटा पाथ है और एक ऑटो बैकअप का भी पाथ है। ये हमें स्टार्टिंग में कंफिगर करना होता है, जैसे ही हम इस यूटिलिटी को डालते हैं तो हमें ये इनेबल करना होता है। इनेबल करने के बाद आपसे बाय डिफॉल्ट कैली डाटा बैकअप नाम का फोल्डर बना देता है, हम चाहें तो इस फोल्डर को अपने सहूलियत के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर सजेशन ये है कि डाटा फोल्डर जो है, डाटा बैकअप फोल्डर जो है आपका डी में ही होना चाहिए, सी में नहीं होना चाहिए, ताकि अगर किसी केस में अगर विंडोज करप्ट हो जाती है तो हमें दोबारा विंडोज डालनी पड़ती है, तो सी को हम फॉर्मेट करके टैली को दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं, टैली के लाइसेंस को दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं, बट डाटा को हम डी में रखने की वजह से बचा पाएंगे, हमें सी में उसको फॉर्मेट होने के डर से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसमें डी डाटा बैकअप दे रखा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। देन बैकअप कब होना चाहिए, तो बैकअप कब कम होने के इसमें तीन चार इवेंट्स हैं, यदि आप कंपनी बंद करते हो तो, या कंपनी लोड करते हो तो, या टैली बंद करते हो तो, या टैली स्टार्ट करते हो तो हम यहाँ पे सिंपली क्लोज कंपनी पे करेंगे कि हम जैसे कंपनी को बंद करें काम करने के बाद, आप क्लोज कंपनी करो तो उसका बैकअप हो जाए, ताकि जितनी भी एंट्रियाँ हमने करी हैं वो एज इट इज सेव हो सके। बैकअप किसका लेना है, सारी कंपनियों का लेना है जिसमें आपने काम किया है, या करंट कंपनी का, हम इसमें करंट कंपनी करके चलते हैं ताकि जिस कंपनी को हम बंद करें उसी का उस टाइम पे बैकअप लिया जाए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका बैकअप कहाँ गया है और वो कैसे रिस्टोर हो सकता है। तो हम Alt Y में अगेन जाएंगे, आपका रिस्टोर में जाएंगे, रिस्टोर में जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका बैकअप कहाँ है, ठीक है जी, और उसको कैसे रिस्टोर करेंगे। जहाँ जाएंगे पहले डाटा बैकअप में जाएंगे और हमारी कंपनी की अपनी पहले डाटा, अब देखो ये जो बैकअप है 9 अक्टूबर का है, मैं आज की डेट के बैकअप में जाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप कि आज की डेट कौन सी है, आज की डेट है 22 जून, 22 जून की डेट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं किस किस टाइम पर मैंने बैकअप लिया वो आपके टाइम के हिसाब से, आज का टाइम अभी का टाइम जो था वो 18:30 बजे है, तो यहाँ आप देख रहे हैं अपनी टैली का बैकअप 22 जून का 6:33 पे। अगले अगर हम चाहें तो इसको रिस्टोर करें,
यदि हमें लगता है कि डाटा कुछ करप्ट हो गया होगा और जो हम लास्ट टाइम काम कर रहे थे तब करप्ट हो गया होगा, तो इससे पीछे का डाटा बैकअप दिखा दीजिए, आपको ये 4:23 का जो बैकअप लिया था वो मिल जाएगा। एक तो हम ऐसे आपका पर्टिकुलर टाइम पे जो भी बैकअप लेंगे वो बैकअप आपको मिल जाएगा, तो ये बैकअप या ये जो भी बैकअप हमें काम करें तो वो हम बैकअप उठा के इसमें अपना रिस्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज टेली डाटा प्रोटेक्ट यूटिलिटी एंड आई होप आपको ये यूटिलिटी पसंद आई होगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी टेलिंग।